अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया, हम सबने देखा, उन पर एफआईआर दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खासतौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी, उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा, गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं, लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा। और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया जाए। क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूं कि ये देश जितना आपका उतना मेरा भी है? ये हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहां इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। आज इसको बदलने की कोशिश करी जा रही है, आज हमको बांटने की कोशिश करी जा रही है, और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं, आपको डरा के चुप करा देना चाहते हैं। बस एक अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, डरिए मत, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए। हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।